दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अपनी जमीन दे चुके, धनराशि मिलने से बचे किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने जिला प्रशासन को भुगतान के लिए 210 करोड़ रुपए और दिए हैं। यूपीडा ने अब तक 735 करोड़ रुपए दिए थे। 210 करोड़ रुपए और मिलने के बाद बदायूं जिले को किसानों के लिए मिलने वाला पूरा भुगतान कर दिया गया है। जिला प्रशासन के गंगा एक्सप्रेसवे पटल और यूपीडा से 210 करोड़ रुपए का बजट आ गया है। जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य रफ्तार से चल रहा है। अब तक 735 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब सरकार ने 210 करोड़ का भुगतान और मिल गया है। अधिकारियों के मुताबिक गंगा एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण पर केवल 945 करोड़ खर्च होना है। अब तक का भुगतान हो गया है और अब नया बजट आया है और फिर से गंगा एक्सप्रेसवे को भुगतान शुरू कर दिया गया है। बता दें कि जिले में गंगा एक्सप्रेसवे 5 तहसीलों के 83 गांव से 92 किलोमीटर लंबा निकल रहा है। अब अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। गंगा एक्सप्रेसवे का बड़ा कार्य बदायूं में कब निबट गया? तत्कालीन एडीएम वित्त नरेंद्र बहादुर की मेहनत से बदायूं से गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य 97% हो चुका है। अब सिर्फ 3% का काम बचा है, वह एक्ट के तहत होगा। ये वो जमीन है जो विवादित है और न्यायालय में विचाराधीन है। फिलहाल एक्सप्रेसवे के कार्य शुरुआत को 90% कार्य की जरूरत होती है। अब जो पार हो चुका है, जिले में गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है। प्रशासन ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए तन मन से काम किया है। एडीएम कार्यालय से लेकर तहसील कार्यालय तक की जिम्मेदारी से काम हुआ है। यहां तक कि सिटी मजिस्ट्रेट ने भुगतान का कार्य इतना ज्यादा बेहतर किया कि किसानों के भुगतान के मामले में गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य प्रदेश में नंबर 1 रहा। सिटी मजिस्ट्रेट 735 करोड़ का भुगतान कर चुके हैं। भुगतान अधिकारी गंगा एक्सप्रेसवे अमित कुमार ने बताया, गंगा एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण कार्य 97% हो चुका है। 3% एक्ट के तहत होना है। भूमि अधिग्रहण जमीन का भुगतान 945 करोड़ करना है। अब तक 735 करोड़ बजट आया था और किसानों को भुगतान कर दिया गया था। अब फिर से 210 करोड़ रुपए मिला है। इस बजट को भी भुगतान की प्रतिक्रिया में लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।